और चलिए बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालय क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार अब 50% सब्सिडी देगी। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की। सीएम धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि बिजली में छूट की सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी और इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। निश्चित रूप से देखिए, इससे एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी। और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी, इसलिए हमने इस योजना का प्रारंभ किया है। नहीं देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जन्मदिन दिवस पे उत्तराखंड को सौगात दी है। जो हमारे गरीब परिवार हैं और जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनको 50% की सब्सिडी उन्होंने देने की बात कही है। और इससे हमारे जो गरीब कल्याण के जो हमारी सोच है वो आगे बढ़ेगी। जो हमारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में औद्योगिक इकाइयों, कल कारखानों और फैक्ट्रियों और औद्योगिक संस्थानों में धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। इस दौरान मशीनों और औजारों की पूजा की गई, तो वहीं भगवान विश्वकर्मा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। साथ ही विश्वकर्मा के प्रतिमा और मूर्तियों का पूजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे और भगवान विश्वकर्मा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण किए जाने को लेकर 15 लाख की घोषणा की। विश्वकर्मा भगवान की पूजा है। यहाँ मैं प्रभु विश्वकर्मा को नमन करने आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ। वहीं देश के प्रधानमंत्री, वो भी एक शिल्पी हैं, 10 साल के अंदर भारत को एक नए ढांचे में ढालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनका भी आज जन्मदिन है। मैंने यहाँ पर आकर यहाँ की हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में शिरकत की है। माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को भी बुला रखा था, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ सब कुछ प्रसाद भंडारा बहुत अच्छे से हुआ। अच्छे खासे लोग थे वहाँ पे और मंत्री जी ने इस उपलक्ष्य में जो मंदिर हमारा ऊपर की तरफ बढ़ना है उसके लिए हमें 15 लाख रुपये दिए हैं और महिला मंत्री को म्यूजिक सिस्टम दिया है तथा हर तरह का आश्वासन दिया है कि जो भी जरूरत पड़ेगी वो तो हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस संदर्भ में जल पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया है। हम हर चुनाव का सदैव तत्पर रहते हैं, हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव, उसके लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिकों में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ता राय शुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। प्रदेश में रजिस्ट्री में फ्रॉड केस होने पर गठित एसआईटी टीम को अब दस्तावेजों का सैंपल चंडीगढ़ नहीं भेजना पड़ेगा। इसके लिए देहरादून में ही फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को तैनात किया जाएगा। इस बात को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इससे प्रदेश में रजिस्ट्री में होने वाले फ्रॉड की घटनाओं में रोकथाम भी होगी। चंडीगढ़ में थी, लेकिन हमारी सरकार जनता के लिए बहुत सुविधाएं हमेशा देती रही है। उस दिशा में एक कदम है कि हमारे जो इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं तो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे देहरादून में होगा, ताकि ये बाहर जाना और उस समय लगना, उससे बचत होगी और ये इस प्रकार के जो घटनाएं होंगी उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगा।
तो वही उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा केदारनाथ धाम में समाप्त हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। तो वहीं कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धामों के नाम पर राजनीति कर रही है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है कि हमारे उत्तराखंड में कभी भी आज तक धामों के नाम पर राजनीति नहीं हुई है। ये उत्तराखंड का गौरव है, उत्तराखंड के धाम जो है उत्तराखंड के गौरव है, पूरे विश्व में आज पहचान उत्तराखंड की हमारे धामों की वजह से है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धामों को भी राजनीति में खींचने का काम किया है, ये दुखद है। उनकी यात्रा जो है वो केदारनाथ बचाने के लिए नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए करी जा रही है। जिस तरीके से केदारनाथ धाम का के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से केदारनाथ धाम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहते हैं, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जा रही है जिससे केदारनाथ की यात्रा को आगे बढ़ाने में, केदारनाथ में सुविधा देने के लिए, केदारनाथ को यात्रियों को श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए सरकार के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलन था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी का वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली, तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुख करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इंटक के सचिवालय कूच किए जाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भू माफियाओं और प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से मनमाने ढंग से लूट की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। हम प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, दलितों की, आंगनबाड़ी आश्रम सबकी समस्याओं को लेकर विशाल प्रदर्शन करने का कार्यक्रम इंटक के द्वारा किया गया। कांग्रेस भवन से सचिवालय तक हम लोग कूच करेंगे और मुख्यमंत्री गवर्नर को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन हम मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी चिंता का विषय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दिया, उनसे डिस्कस किया, कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को दो दिन के अंदर खोलने के निर्देश दिए हैं, साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और लोनीवी अभियंताओं के साथ बंद सड़कों की समीक्षा की और दावा किया कि दो दिन के अंदर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है, अब जो अभी IMD द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है, बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर अपना फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। तो वहीं हरिद्वार में हुई ज्वेलर्स डकैती के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से करीब 50 लाख रुपए के गहने बरामद किए हैं। एक बदमाश मुठभेड़ में मारा गया है। आपको बता दें कि 1 सितंबर को बदमाशों ने हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में श्री बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस को अब कामयाबी मिली है। जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए, एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज़ बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है
और हमारी टीम ने खासतौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी दो और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तराखंड के मैदानी जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो गया है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशालाओं के व्यवसायियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। जब भी किसी बैंक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इसमें मतलब अंदर से कुछ ना कुछ सूचना दी गई होती है, या इस केस में तो जैसा हमें पता चला कि इन लोगों ने आके दो तीन जगह की रखी की। अब उसमें भी जैसा हमें पता चला एक दो जगह ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए, अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके यहाँ आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। अब जब ये भी एक सोचने की बात है, जो वहाँ पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में, और हम आग्रह उनसे यही करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो इसमें भी पुलिस का ठीक से सहयोग करें। हरिद्वार में नमामि गंगे के तहत किसानों की सिंचाई के लिए बना नाला अवैध खनन की भेंट चढ़ गया है। रानी माजरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान सहित ग्रामीणों ने स्टोन क्रेशर स्वामी पर अवैध खनन करने से नाले को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। तो वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर स्टोन क्रेशर स्वामी के खिलाफ अवैध खनन करने पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये समझ लो आप, इधर के जो छोटे मोटे किसान थे तो गए निमट, ये तो सच्चाई है देखो। और रही बात लगभग 20-25 फुट तो जो है लगभग आपका खनन उधर हो रखा है, हम क्योंकि मौके पर गए थे एक दिन, दो चार पत्रकार और भी आए थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। और रही बात देखो, अब नुकसान तो ये है कि नमामि गंगा के तहत जो है वहाँ नाला बना हुआ है, ठीक है, और लगभग 23-24 करोड़ की योजना थी, वो भी ध्वस्त ही मान लो। क्यों, उसने कम से कम 5 फुट की दूरी से जो है खनन कर रखा उससे, तो वो 5 फुट की दूरी से का मतलब तो ये है कि नीचे डलना ही डलना हो नाला, आने वाले टाइम में ये बरसात होगी कटाव तो होना ही होना, तो बेकार हो जाएगा नाला, तो सरकार भी ध्यान नहीं दे पा रही। और रही बात शासन प्रशासन की, यहाँ के नीचे काम चल ही रहा था बाहर धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं। जो नाला वो करा था उसमें चिनाई लगा के उसमें प्लस्तर नहीं करा, 20 फुट ही उसमें ढांग चल रही पूरी, बहुत दिक्कत हो रही किसानों को, चोवा नीचे चला गया क्योंकि क्या 20 फुट ही ढांग चल रही उसमें जड़ तलक, ना दीवार कर रखी ना कुछ, टिन्नों में खनन चला रखा पूरा। ये नमामि गंगे जो नाला है जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, वही नाला है या कोई दूसरा नाला? नहीं, वही नाला है जो सरकार के द्वारा बनाया गया था, उसमें कई करोड़ का खर्चा हुआ उनका, फिर भी ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं उसे। जो खेत था यहाँ पूरा, और इस खेत में जो है क्रेशर लगा दिया गया, और जबकि इसके आस पास बिल्कुल जड़ में सब लगते हुए नाला भी है पानी का, जो सरकारी नाला बनाया गया गवर्नमेंट ने, जो कई करोड़ की योजना थी वो भी इसकी जड़ में से टूट गया, एक दो जगह से इन्होंने दोबारा मरम्मत करा दी उसकी, और जो बिल्कुल सब खेती जो है इससे लगती भी है, बिल्कुल मतलब डोड़ जो है सब खेतों की इससे लगती भी है, यानी कि कोई गंगा का एरिया है, गंगा का एरिया नहीं है, बिल्कुल जो हकीकत खेती हो वो हो यहाँ। मॉनसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। एक से दो दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा, तो वहीं अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। आगे अगर बात करने का, आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंगटिक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा, और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के दो दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है येलो वार्निंग में रखा गया, या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूँ तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी इक्का दुक्का वहाँ हो सकता मिल जाए,
तो उसको ऑरेंज में भी आज हमने रखा है। तो बाकी अगर देखें तो येलो वार्निंग मेनली हमने आज जो है। मंगलवार से श्राद्ध पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर पधारते हैं, इसीलिए शास्त्रों में भी पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक बताया गया है। यही कारण है कि आज सुबह सवेरे से ही दूरदराज से आए श्रद्धालु हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। 16 दिन का कन्यागत सूर्य यानी कि कनागत या महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितर हमारे घर पधारेंगे। ये 16 दिनों के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने पितरों के प्रसन्नता और पितृ दोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं नारायण शिला मंदिर में। चूँकि यहाँ पर भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है और यहाँ स्वयं वर्णन आता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है वह सौ पितृकुल पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान ब्राह्मण को भोजन गायदान आदि नारायण बलि आदि करने का विधान नारायण शिला में है और इसको करने से निश्चित पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।